हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल A74 है, तो आईटेल A74 की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं आईटेल A74 की सेटिंग्स पे जाकर, और रिफ्रेश रेट वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश रेट को आप कैसे बदल सकते हैं आईटेल A74 में, तो आज हम बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप बदल सकते हैं रिफ्रेश रेट को आईटेल फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं एंड आप शो भी कैसे कर सकते हैं रिफ्रेश रेट को, तो आपको इस पर सर्च करना है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स आपके फ़ोन में शो हो जाती है, जहाँ से रिफ्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं। देख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट को आप शो कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से ऑन करते हैं तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले के कॉर्नर पे शो हो जाएगा, जहाँ से रिफ्रेश रेट को शो कर सकते हैं आप। एंड आप ऑफ कर देंगे तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले के कॉर्नर पे शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से भी रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं एंड आप शो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है या फिर आप डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर चेंज करना चाहते हैं रिफ्रेश रेट को, तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका रिफ्रेश रेट 90 या 60 Hz है, तो आप यहाँ से जाकर रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। और देख सकते हैं कुछ यहाँ से आप रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर। जो भी रिफ्रेश रेट को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे और रिफ्रेश रेट को भी चेंज कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।